भाई ये अभी वाला सब आप यहाँ पे देखो आए हुए भाई, थे, यहाँ पे फोटो खींच रहे थे, यहाँ पे आई लव खुर्जे वाले, यहाँ पे आई लव खुर्जे लिखा हुआ है। तो अभी हम जा रहे थे यहाँ से, हमारी सारी फोटो शूटिंग होंगे, वहाँ पे चल रहे हैं। अभी आपको स्विमिंग पूल भी दिखा देंगे बच्चों का किस्सा। और भाई यहाँ पे कैंटीन वेंटीन सब है भाई। अब यहाँ पे ये लोग देख सकते हैं फोटो खिंचवा रहे हैं, हम इनके साथ खिंचवा ले भाई ग्रुप फोटो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं घर पे से, तो सुबह ही सुबह उठ गए थे हम। देखो भाई टाइम क्या हो रहा है, 12 बजने में अभी बहुत टाइम है। और देखो सुबह ही सुबह हमारी भैंस कट चुकी है, खाली इसकी टांगे टांगे बची हैं, बाकी पूरी भैंस खाके ख़त्म हो चुके हैं। घेरा और एक घेरा, और हमारे ब्लॉगर साहब वो बैठे हुए। तो भाई जब हम जा रहे हैं तो आपको देखो भाई कितना शर्माता है। देखो ये हमारी मोमानी की लड़की है ये जी। तो भाई हम जाएंगे भोजपुर, भोजपुर में आ भाई देख सकते हैं ये कट रही थी भैंस। अब यहाँ पे बन रहा है गोश्त, तो ये देख सकते हैं पूरी रॉन भाई सब ये अब कट रही है। तो ये हम इनके सारे मामू गोश्त बना रहे हैं, ये देख सकते हैं भाई बाल्टी भरी हुई पूरी गोश्तों से। और भाई हड्डी हड्डी सब अलग कर दी, हम जा रहे हैं भोजपुर। तो भाई मिलता है थोड़ी देर बाद। अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल, क्योंकि हम बस तीन जने जा रहे हैं, मैं अमान और ये अरकम जा रहा है। हमने बैग ले लिया, बैग के अंदर रख लिया गमछा और मेरा अंडरवेयर। इन्हें अंडरवेयर पहन रखा है क्योंकि इसके चोट लग गई थी, तो ये गमछा पहन के गया था। अंडरवेयर पहन के पट्टी करवाने, पट्टी अभी इसके हो ही रही है, ये वहाँ जाके खोलेगा। अभी पता भी नहीं है पूल कितनी दूर है, इसको पता है क्योंकि हम यहाँ पे पहली बार आए, इसको ही पता है। पहली बार इन्हें स्वीटी खिलाई थी हमें, स्वीटी जेब में भर रखी ना, स्वीटी खिला दिया हमें। तो भाई हम भी कौन से शरीफ, हमने स्वीटी खा ली। तो भाई अभी चल रहे हैं हम स्विमिंग पूल, ठीक है, और फिर चल रहे हैं देखते हैं स्विमिंग पूल कैसा है। देखने में तो बढ़िया ही है, इनने वीडियो दिखाई है इंस्टाग्राम पे। भोजपुर का नाम है भोजपुर, हमें भी पता भाई, तुम मत बोलो। हमारा चार तो भाई चलते जल्दी से बोलते। तो भाई जब हम इस पूल में आए थे तो भाई इसका यहाँ पे तो यही मोटर ही जाम हो गई, तो देख सकते हैं वहाँ पे मोटर ठीक कर रहे हैं। तो अभी भाई ये पानी भी शायद गंदा कह रहा है भाई इसमें, अब देखो क्या करना है। अमन उमन उधर बात कर रहे हैं ये रहा, अब देखो भाई इसमें हम सोचे इसमें थोड़ा पानी और भरवा के ऊपर तक इसमें ही कर लें, पर बात पर वो कह रहे भाई इसमें अभी रुक जाओ, देखते पहले मोटर चालू होगी या नहीं होगी। और भाई ये वाला पूल है बहुत बड़ा, ये तो बच्चों के लिए वो आला है, बड़ों के लिए घेरा बहुत है भाई ये। और भाई ऊपर से वीडियो बनाने में कुछ अलग ही मज़ा आएगा, तो भाई बात करके देखते हैं क्या होगा। स्विमिंग पूल देखिए, हमारा स्विमिंग पूल जाना कैंसिल हो चुका है क्योंकि हमारा पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। उन भाई ने कहा कि भाई अगर यहाँ पर नहाओगे तो इसमें केमिकल भी है, बाकी बीमारी भी हो जाएगी, तो इसमें नहाएंगे। तो हमारी मोमानी की लड़की मेरी छोटी वाली, तो आज आपको हम ये दिखाते हैं हमारी मोमानी कबाब कैसे बना रही है। देखो देखो पेंसिल में लगा लगा के बना रही है, तो आप भी गाय दे सो रहे हैं एकदम लजीज। देखो सीख भी पहले इसके सामने, तो ये जुगाड़ बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है, ना सीख की टेंशन ना किसी चीज़ की टेंशन, हर चीज़ की टेंशन। हमारी मन का घर है मेरा, मेरा वो अब हम आपको मिलेंगे नहा धो के खाना होना, ठीक है ना। जब हम हो चुके तैयार नहा धो के खाना वाना खा के एकदम फ्रेश हो चुके, और हमारा अचानक से प्लान बन गया हम जा रहे सिटी गार्डन। हमारा स्विमिंग पूल जाना तो कैंसिल हो चुका था क्योंकि स्विमिंग पूल में मोटर ख़राब हो चुकी थी। सो गाइस अभी ये लोग भी हो चुके तैयार, अमन की ये वही वाली ड्रेसिंग है, मैंने अमन का कुर्ता पहन पहन लिया क्योंकि मैं कपड़े नए वाले लेकर आया था, नए वाले कपड़े रखे बस, और वो पुराने वाले जो मैं पहन के आया था पहन के। तो भाई इसकी तो ये है आउटफिट, ठीक है, और ये फैयान की ये रही, और अरकम गया अभी अंदर, पता नहीं किस काम से ये आ गया। अरकम ने ये पहना भाई, इसका आउटफिट ये है, पर यहाँ से सही इसकी टांग में चोट लग रही है यार। सो गाइस मेरी ये आउटफिट है, मैंने चप्पल पहनी है, कुर्ते पैमा पर जूते अच्छे नहीं लगते, और ये पजामा है, और भाई ये कुर्ता है। और हम अब जा रहे हैं पहले रोड पे, और इसका एक दोस्त और आ रहा है, वो भी जाएगा शायद हमारे साथ सिटी गार्डन। तो अभी चल रहे हैं, देखते जैसे भी प्लान बनेगा हम जाएंगे ऑटो से, तो चल रहे पहले जल्दी से मिलते आपसे रास्ते में। जब हमने रिक्शा पकड़ लिया और अयान भी आ चुका था, अयान ये बैठा हुआ इधर दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ये कोने में बैठा हुआ है भाई। तो अभी हम जा रहे हैं सिटी गार्डन, वहाँ पे थोड़ा सोच रहे थे फोटो वोटो शूट करवा लेंगे, चल रहे हैं भाई। हमने रिक्शा कर लिया, तो रिक्शा वाले भाई से बात हो गई थी, तो अब चल रहे जल्दी से सिटी गार्डन और मिलते आपसे सीधा सिटी गार्डन में। हम यहाँ पे आ चुके हैं, पहले तो हम रोड पे थोड़ी देर रील वील बना रहे थे जो कि अपनी रील बन जाएगी, और फैयान ने ले ली थी आइसक्रीम, तो हम खा रहे हैं आइसक्रीम भाई। कितने कितने वाली है तो पता ही नहीं है, चलो कोई 10 वाली भाई, बड़ी घसड़ सी लग रही है 10 वाली यार आइसक्रीम, इसमें स्वाद से नहीं लग रहा है यार। भाई ने वहाँ से लिया, और भाई अंदर है पार्क, तो हम अंदर जब जाएंगे तो अंदर का व्यू दिखाएंगे। तब यहाँ पे
थोड़ा रील फील बना रहे थे, मैंने दो रील बना दी है, तो वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। इंस्टाग्राम आईडी को जल्दी ले आके फॉलो कीजिए और शायद ब्लॉग नाम आईडी का, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जिनने भी सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी ले जाओ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लो, जो कि मेरी वीडियो जब आती रहे तो आपको पता भी चल जाए। सो गाइज अभी तो हम रील बना रहे थे और पहले खा ले आइसक्रीम, उसके बाद चल रहे अंदर और अंदर अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अंदर आ चुके और अंदर का माहौल देख के इतना बढ़िया लग रहा भाई, एकदम एक नंबर माहौल हो रहा भाई यहाँ का। भाई देख सकते हो पूरे झूले वूले और बच्चों के लिए वहाँ पर स्विमिंग पूल भी लग रहे हैं भाई वहाँ पर है, पर यहाँ पर झाड़ू के देखने रहो, वहाँ से एंट्री थी हमारी। और भाई यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ आई लव खुर्जे, तो भाई अभी हम लोग यहाँ पर एंट्री करें, अब देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे माहौल क्या क्या करेंगे। तो अभी पहले फैयान को यहाँ का सब पता है, तो अभी पूछते हैं देखते क्या क्या होगा यहाँ पर, मज़े करेंगे पूरे फुल मौज करेंगे यहाँ पे भाई। यहाँ पे हम फोटो वोटो खिंचवाएंगे, अभी फोटो शूट भी करवा ले क्योंकि हम बाहर से रील फील बना के तो आ चुके हैं, तो अब जल्दी चलेंगे पहले फोटो वोटो खिंचवा ले। भाई अभी सब यहाँ पे आए हुए थे, यहाँ पे फोटो खींच रहे थे, यहाँ पे आई लव खुर्जे वाले, यहाँ पे आई लव खुर्जे लिखा हुआ है, तो अभी हम जा रहे थे यहाँ से, हमारी सारी फोटो शूटिंग होंगे, हम वहाँ पे चल रहे हैं। अभी आपको स्विमिंग पूल भी दिखा देंगे बच्चों का किस्सा, और भाई यहाँ पे कैंटीन वेटिन सब है भाई। अब यहाँ पे ये लोग देख सकते हैं फोटो खिंचवा रहे हैं, हम भी इनके साथ खिंचवा ले भाई ग्रुप फोटो। गाइस देख सकते हैं हो रहा बच्चों का वाटर मतलब स्विमिंग पूल, देख सकते हैं बच्चे तैर रहे हैं उसमें, पता नहीं कौन सी गाड़ी पे तैर रहे हैं। और भाई अब तो धूप भी निकल चुकी है, 6 बज रहे हैं, और भाई 6:13 हो रहे हैं, इसमें टाइम दिख नहीं रहा सही से, और क्योंकि मतलब धूप हो रही है ना तो उस पर रिफ्लेक्शन हो रही है, तो अब टाइम सही से दिख भी रहा होगा। 6:14 हो रहा है, हम जा रहे हैं घर, भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और भाई देख सकते हो गार्डन कितना प्यारा लग रहा है, खुला खुला, और भाई झूला वूला सब यहाँ पर, जंपिंग वम्पिंग। और भाई अब चल रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर काले ना हो जाए ये भी डर है भाई। अरकम को देख सकते हैं भाई, एक हफ्ते तो नहाता नहीं और काला हो गया बेचारा, गजब बेइज्जती है। अभी हम प्लान बना रहे हैं, देखो ये फैयान भाई कह रहे हैं यहाँ ऊपर टंकी पे आने पर मुझे लग रहा है डर यहाँ पे आने, भाई गिर गिरा गया कोई इनमें से तो, और कंबल क्योंकि फिर गिर गिरा गया उसके घर वाले बोलेंगे, तो अभी भाई हम जाएंगे नहीं यहाँ पे, मैं इससे मना कर रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ से बस ऐसे घूम रहे हैं थोड़ी देर, भाई व्यू इतना एंटिक आ रहा है यहाँ पर, राउंड देख सकते हैं पूरा भाई, पूरा ए टू जेड जंगल, मतलब जंगल नहीं घास ही घास है यहाँ पर पूरे में। और भाई धूप के पास लोकेशन एक नंबर आ रही है, फोटो एक नंबर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये सब फोटो वोटो वीडियो वीडियो बनवा रहे थे, इसको देखो ये क्या कर रहा है। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं घर पर और जल्दी से चलते हैं, पहले रिक्शा करते हैं, हम देखते हैं रिक्शा कहाँ पर मिलेगा। तो हम आ चुके हैं घर पे और रास्ते में अपना ब्लॉग बनाया नहीं, तो भाई ये देख सकते हैं क्या कर रहे हैं भाई, वीडियो बना रहे, रील बन रही है। सो गाइस इनकी वीडियो बन चुकी है और भाई वो देख सकते हैं वो क्या कर रहा है भाई, वो मेरे ब्लॉग देख रहा है। ये हमारे वेस भाई, मैंने अपना ब्लॉग अपलोड कर दिया, जिसने ब्लॉग नहीं देखा जल्दी आगे वाला ब्लॉग देख लो। सो गाइस यहाँ पे दोबारा रील बन रही है, देख सकते हैं। सो गाइज अभी हम लोग अपना मतलब व्लॉग कंटिन्यू करेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम सीधा आए और उधर वाले घर से इधर छत पे कूद के आ गए, हम इधर से छत पे कूद के आ गए, हम आ चुके हैं छत पे से नीचे। तो अभी फैयान आ रहा है, हम जा रहे हैं थोड़ी देर घूमने। तो अभी यहाँ पे आया हुआ अमन बैठा हुआ है, ओवेस बैठा हुआ है, ओ बैठा हुआ नहीं ओवेस खड़ा हुआ है, और ये अयान आया हुआ, अरकम गया अंदर, अरकम भी आ रहा है, फैयान आ रहा ऊपर से। और भाई यहाँ की लाइट चली गई, यहाँ की लाइट बार बार चली जाती है। सो गाइस अभी अमन वमन सब यहाँ से हम लोग जाएंगे थोड़ी देर घूमने, इधर मतलब कहीं पे भी चले जाएंगे, यहाँ का रास्ता में पता नहीं ना इसको मालूम है, इससे पूछ रहा हूँ तो कह रहा भाई मुझे पता ही नहीं है यहाँ का रास्ता, बताओ कैसा बंदा, इसको अपने गांव का रास्ता ही नहीं पता, ये बताएगा इसको भी पता है। तो गाइस अभी पहले फैयान को आएंगे, उसका आदम चल ले थोड़ी देर पहले घूमने, देखो कहाँ कहाँ घूमेंगे। वैसे ना यहाँ पर कुछ घूमने लायक वैसे जगह खास है नहीं दिल्ली की तरह, तो अभी चल ले पहले फैयान को आने दो। हम आ गए रोड पे, हमारे साथ अदनान भी आ गया था नीचे, और बाकी सारे पीछे चल रहे भाई, इतनी दूर है वो तो पता नहीं क्या कर रहे, इतने आराम आराम से आ रहे, पता नहीं उनके पैरों में पता नहीं क्या हो गया, लड़ ले वहाँ पे, लो लड़ाई हो गई, लो लो भाई अरे लड़ ले यार, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, मैं वहाँ जा नहीं सकता भाई, टांगों में ऐसा दुखन से हो रही है, चलते चलते पता नहीं कैसे चल रहा, मन कैसे टांग में चोट लग रही है। सो भाई वो देखो वो आ रहे यहाँ से दिखेगा ही नहीं, वो दिख गए होंगे, ये देखो वक्ता वक्ता आ रहे हैं। हम यहीं पे घूम रहे थे, तो अभी भाई यहाँ पे हमारे भाई डांस करके दिखाएंगे, ये लो अमन की टांग टूटी है तब भी डांस कर रहा है भाई, फुल लोड पे मजे ले रहे हैं भाई, इनके साथ क्या करे भाई यार, इनको रहने दो जानवर है अमन भाग रहे टांग, अब यार बड़ी हंसी आ रही है। ओ भाई फुल मजे ले रहे तुम्हारे भाई रोड पे, और हम जा रहे थे घर पे, क्योंकि हम उधर से थोड़ा घूम घाम के आ गए थे, और अब हम जा रहे हैं घर पे। और भाई यहाँ पे क्या पोस्टर लग रहा है, ये क्या हजाब है वन टू थ्री फोर, अरे झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए, डिंग 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 जय।
ओए यार कि टांग टूटी है बंदा तब भी फुल मौज में है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं पूरे रास्ते में, जो जो भी एंजॉयमेंट करेंगे वो सब दिखाएंगे और जो एंजॉयमेंट नहीं हुई फिर उसके बाद चलेंगे हम घर पे। अभी हम आ चुके थे घर पे और भाई आते के साथ हम खाना खाने लगे थे तो अमन भाई ने गरम करी है हलीम और हलीम के अंदर कर दिया एक्सपेरिमेंट भाई। इसके अंदर नींबू और क्या क्या मिला भाई मुझे तो मालूम ही नहीं है, मसाला चाट मसाला नमक और इसके अंदर मिर्चर तलक की मिल गई भाई। तो देख सकते हैं ये रही मिक्सचर और भाई खाने में ऐसा लग रहा है एकदम एंटिक। सो गाइस खा के देखते हैं एकदम एक नंबर लग रहा है क्योंकि हमने पहले भी खा ली थी तो भाई बहुत मजे की, तो हमने दोबारा से गर्म कर लिया तो बात गर्म हो रही है। अभी हमने खाना खाने के बाद चाय बना ली थी तो चाय भी अमन निकाल रहा है तो अभी हम पियेंगे चाय। चाय पीने के बाद हम लेके आ गए थे, मतलब चाय बन गई थी, हम चले गए थे बाहर स्टिंग लेके आ गए थे तो हमने सोचा स्टिंग भी लिया था, चाय पीने के बाद स्टिंग पी लेंगे। तो ये देखो अब ये क्या करेगा एक्सपेरिमेंट, इसमें भी एक्सपेरिमेंट कर रहा भाई, इसमें तो हैरत हो रही है, स्टिंग में दूध ना मिला दे एक्सपेरिमेंट ना कर दे उन्होंने तो हलीम के अंदर पता नहीं क्या क्या मिला दिया। सो गाइस अभी पीता हम चाय उसके बाद पियेंगे स्टिंग उसके बाद करेंगे अपना व्लॉग एंड। सो गाइस व्लॉग एंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा खाना वाना खाने में क्योंकि मैंने दिखा दिया व्लॉग क्लिप चालू कर दी, ये एक्सपेरिमेंट ही ऐसे कर रहा था मैंने सोचा व्लॉग में दिखा दो भाई इसकी एक्सपेरिमेंट, क्या पता किसी को आइडिया मिल जाए, किसी को बनाना भी हो चटपटा या मज़े मतलब मज़ा आया खाने में तो बना भी सकता है। चाट मसाला डाला, नमक डाला, नींबू डाला, ऊपर से मिक्सचर मिला दी, कोई सी मिक्सचर मिला दो नमकीन बढ़िया रहती है। सो गाइस अभी पीते हम चाय, चाय बढ़िया लग रही है एक नंबर, तो अभी पीते जल्दी से चाय और हमारा पेट आ चुका एकदम यहाँ तक, पेट भर चुका फुल और अब चल रहे जल्दी से ब्लॉग एंड करके सोने। जब हम फ्री हो चुके हैं चीज से और अब बस हम अपना ब्लॉग एंड कर लेते हैं और अमन भी आ चुका था बाहर क्योंकि हम तक कमरे में, तो हम कमरे से बाहर आ चुके थे और भाई हम बाहर आके ब्लॉग एंड कर रहे हैं। तो गाइस ब्लॉग एंड करते हैं क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 11 बज चुके हैं, मैंने अपनी घड़ी स्विच ऑफ कर दी थी क्योंकि भाई रात को मैं इसको ऑन नहीं रखता ना, बंद कर देता हूँ क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कर रखी है, वो मैं यूँ हिलाता हूँ ना वो खुल जाती है ऑन हो जाती है बार बार, तो मैंने इसलिए इसको बंद कर रखी है। सो गाइस व्लॉग एंड कर रहे हैं ठीक है, फोन पकड़ के चलो गाइस व्लॉग अब डेली आ रहे हैं और व्लॉग पसंद आओ तो लाइक करके कमेंट करके शेयर कर दीजिए और जरूर से जरूर और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। गाइस आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे मैंने ये जरूर देखा, सब्सक्राइब करो भाई प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो थोड़ा सा और बस अब तुम्हारा भाई व्लॉग ऐसे ही ला करेगा, मैं पीर को शायद हो सकता है अपने घर भी जाऊँ और घर का भी व्लॉग आएगा पूरा। सो गाइस व्लॉग को शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए करिए क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं। सो व्लॉग अब एंड करता हूँ ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, मिलता है आपसे अगले व्लॉग में, बाय बाय।